सो गाइस देखिए ग्रो अपने यह प्रॉब्लम ठीक हो ही नहीं रहा है। किसी को 10 दिन हो गया, किसी को 20 दिन हो गया, किसी को महीना हो गया, लेकिन अभी तक उनका अकाउंट भी एक्टिव नहीं हुआ है और यह प्रॉब्लम जो है शो कर रहा है, जिसमें लिख करके आता है सिंपली प्राइसेस विल बी लाइव आफ्टर स्टॉक अकाउंट इज एक्टिव। यानी कि यहाँ पर कहना यह है कि जो अकाउंट है वो अभी तक एक्टिव नहीं हुआ है, जिसकी वजह से यह प्रॉब्लम आ रहा है। और इस प्रॉब्लम के आने की वजह से ना ही किसी जो है शेयर का प्राइस यहाँ पर देख पाते हैं, लाइव हो पाता है, और ना ही इसमें हम लोग पैसे ऐड कर पाते हैं ग्रो ऐप में, और ना ही हम लोग कोई शेयर जो है बाई कर सकते हैं। तो काफी ज्यादा परेशान होता है। देखिए हर कोई अपना अकाउंट अगर बनाता है स्टॉक में तो जाहिर सी बात है वो यही सोच के बनाता है कि मैं जो है कि ट्रेडिंग करूंगा, मैं इसमें शेयर मार्केट में पैसे लगाऊंगा। लेकिन बेसिकली प्रॉब्लम तब यहां पर होता है जब आप लोग यहां पर आप लोग का अकाउंट एक्टिव भी नहीं होता है और सिंपली ये लिख करके चला आता है प्राइसेस विल बी लाइव आफ्टर स्टॉक अकाउंट इज एक्टिव। तो इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं कि बेसिकली यह प्रॉब्लम क्यों आता है और कैसे आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हो और इसका बेसिक सोल्यूशन क्या है, डिटेल से आप लोग को बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो देखिए बेसिकली ये जो प्रॉब्लम आता है प्राइसेस विल बी लाइव आफ्टर जो है स्टॉक अकाउंट इज एक्टिव, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम तब आता है जब आप लोग का जो स्टॉक अकाउंट है वो अभी तक एक्टिव नहीं हुआ है। अब देखिए कुछ लोग ये कह रहे होंगे कि भाई मेरा 10 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, लेकिन अभी तक जो है एक्टिव हुआ ही नहीं है, तो मेरा कब एक्टिव होगा, मेरा कब जो है कि चालू होगा जिससे कि मैं जो है ट्रेडिंग कर सकूं या फिर स्टॉक मार्केट में पैसे लगा सकूं, ठीक है। तो मैं आप लोग को एक चीज़ बता दूं कि देखिए अकाउंट ओपनिंग करते समय कुछ लोगों का तो बहुत ही जल्दी जो है कि मतलब उनका अकाउंट ओपनिंग हो जाता है, ठीक है, यानी कि स्टॉक अकाउंट जो है एक्टिव हो जाता है, लेकिन कुछ लोग का टाइम लग जाता है, किसी की जगह तो महीने दो महीने भी लग जाता है। तो इसका रीज़न ये है कि उनका प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स जो है यूज नहीं कर पाते हैं वो लोग, ठीक है। किसी किसी का मान लीजिए कि पैन कार्ड का जो डिटेल्स आप लोग अपलोड कर रहे हो, ठीक है, वो मे बी कभी यूज कर दिया गया होगा, ठीक है, किसी अदर एप्लीकेशन के थ्रू, तो मे बी इसके वजह से भी आप लोग का लेट लग सकता है, या फिर प्रॉपर आप लोग डिटेल नहीं दे रहे होंगे, जैसे जो है अकाउंट का डिटेल या फिर अपना पैन कार्ड का डिटेल या फिर आधार कार्ड का डिटेल, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आप लोग को फेस करना पड़ता है। तो बेसिकली कैसे आप लोग एग्जैक्ट इसका सोल्यूशन प्राप्त करोगे कि आखिर यह क्यों हो रहा है, कैसे इसका क्या सोल्यूशन है, ठीक है, तो उसके लिए देखिए सिंपली आप लोग को जो है अपने ग्रो ऐप में सिंपली यहां पर आप लोग का जो नेम होगा नेम पर क्लिक करेंगे, इसके बाद कस्टमर सपोर्ट 24/7 जो लिखा हुआ है सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका यहां पर शो कर देगा, अगर मान लीजिए अगर आप लोगों ने अकाउंट बनाया है तो आप लोग का अकाउंट यहां पर सिंपली शो कर देगा। और यहां पर अगर मैं आप लोग को दिखाऊं तो यहां पर मेरा आप देख सकते हैं कि मेरा जो अकाउंट है यहां पर जो डॉक्यूमेंट साइन हुआ है ये पैन कार्ड के थ्रू हुआ है, ठीक है, आप लोग का मे बी यहां पर आधार कार्ड भी हो सकता है, ठीक है, तो मेरा पैन कार्ड के थ्रू हुआ इसलिए पैन कार्ड यहां पर शो कर रहा है, ठीक। लेकिन अगर आप लोग का यहां पर जो है डॉक्यूमेंट में साइन में अगर शो नहीं कर रहा होगा कोई भी डॉक्यूमेंट, तो सिंपली आप लोग को दोबारा से रजिस्टर करने की जरूरत है, ठीक है, दोबारा से आप लोग इसमें काम करेंगे तभी हो पाएगा। अगर मैं बात कि आप लोग कैसे इसका जो है पता करोगे कि आखिर क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से 10 दिन 15 दिन एक महीना हो गया लेकिन अभी तक अकाउंट जो है एक्टिव नहीं हुआ है, ठीक है, तो सिंपली आप लोग गूगल पर आएंगे, गूगल पर आने के बाद लिख करके सर्च करेंगे सिंपली ग्रो कस्टमर केयर, ठीक है, कस्टमर केयर यह लिख करके आप सर्च करेंगे। जैसे यह लिख करके सर्च करेंगे तो आप लोग को यह नंबर मिल जाएगा, ठीक, इस नंबर को ऐसे कॉपी पर क्लिक करेंगे, ठीक है, और सिंपली यहां पर कॉल पर क्लिक कर देंगे, ठीक, तो यह नंबर यहां पर आ जाएगा। सिंपली जैसे कॉल पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नहीं ये कॉल यहाँ पर लग चुका है, तो यहाँ पर आप लोग 1 2 इस तरीके से सिलेक्ट करके आप लोग कस्टमर केयर से कॉल करके आप लोग का जो प्रॉब्लम है उसे आप लोग देख लीजिएगा कि आखिर एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम आ रहा है जिसकी वजह से आप लोग का अकाउंट जो है अभी तक एक्टिव नहीं हुआ है, वो आप लोग को एग्जैक्ट सोल्यूशन बता देंगे। इसके बाद जो है कि आप लोग जो है कि अपना ये जो प्रॉब्लम होगा उसे सही कर लीजिएगा, इसके बाद आप लोग का अकाउंट भी एक्टिव हो जाएगा। तो आई होप इस वीडियो से आप लोग को हेल्प मिला होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।